हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आना स्टार्ट हो गए, अगर आपके चेहरे पर फाइन लाइंस आना स्टार्ट हो गए और आपके चेहरे पर और भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, चेहरा कहीं से लाइट है कहीं से डार्क है, तो ये उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। ये फेस पैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक आलू लेंगे और उसे अच्छी तरह से धो लेंगे और उसका हम छिलका उतार लेंगे और उसके बाद उसे हम करेंगे कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद जो उसका रस निकलता है वो निचोड़ लेंगे हम। निचोड़ने के बाद जो आलू बचता है उसे हमने फेंकना नहीं है, उससे हम पहला स्टेप अपना कंप्लीट करेंगे और उसके अंदर 2 चम्मच के करीब हम कच्चा दूध मिलाएंगे और वो हमारा स्क्रब तैयार हो गया। और इसे फेस पर हम करीब 1 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो स्किन है, डेड सेल है, वो रिमूव हो जाएंगे। स्किन आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। फेस पैक लगाने के लिए अब आपकी स्किन तैयार है। इस पर हम फेस पैक बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में वो मैं आपको बताती हूँ फेस पैक कैसे बनाना है। और इसे लगाने के बाद यहाँ तो आप चेहरे को पानी से भी धो सकते हैं या गीले टॉवल से भी अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने चेहरे को धो लिया और साफ़ कर लिया। इस तरह से आप भी कर लीजिए। तो फेस पैक बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, ये जो आलू का रस मैंने निकाल के रखा था तो उसका जो रस है हम ऊपर से निकाल लेंगे और जो नीचे ये बचता है स्टार्च और इसे हमने यूज़ करना है। इसके अंदर हम मिलाएंगे 1 चम्मच के करीब आलू का रस जो हमने निकाल के रखा हुआ अलग से, तो और इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब या आधा चम्मच के करीब कॉर्न फ्लावर। अगर आपके पास कॉर्न फ्लावर है तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है तो 1 चम्मच के करीब। तो अगर आपको ये थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें आलू का रस थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो और इसमें एक चीज़ मैंने और ऐड करनी है, पहले इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 बूंदें नींबू के रस की। नींबू का रस आपने इसमें ऐड कर देना है। ये जो सारा मिक्सचर है आपकी स्किन को टाइट करेगा और आपके चेहरे के जो दाग धब्बे हैं वो बहुत जल्दी से दूर करेगा। आप इसे हफ्ते में 3 बार यूज़ करेंगे तो आपको रिज़ल्ट अपने आप देखने को मिलेंगे। पहली बार में ही आपको अपने स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ग्लो करेगी स्किन। इससे लगाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसे आप हफ्ते में 3 बार यूज़ कर सकते हैं और इसे अपने चेहरे पर करीब 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा के रखिए। 20 मिनट के बाद चेहरा आपका पूरा ड्राई हो जाएगा। ये सारा जो फेस पैक चेहरे पर लगाया हुआ सारा सूख जाएगा। तो सूखने के बाद इसे हटाना कैसे, तो चेहरे पर पानी लगाते हुए सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए करीब 1-2 मिनट तक आपने हल्के हाथ से अपने चेहरे पर मसाज करनी है और अपने चेहरे को आपने धो लेना है। और उसके बाद अपने चेहरे पर आपने लगाना है एलोवेरा जेल और 2 मिनट तक हल्के हाथ से मसाज कीजिए। तो आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।